तो फाइनली हम लोग अभी पहुंच गए हैं भितरकनिका में। तो अभी चलो यहाँ पे पूरा एक्सप्लोर करेंगे, इसके अंदर म्यूजियम वगैरह भी है और हम लोग यहाँ पे लंच भी करेंगे। चलो आगे और भी अच्छे से दिखाते हैं पूरा। ये देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू भितरकनिका। तो स्टे का कुछ प्लान नहीं है, डायरेक्ट आज एक दिन का ट्रिप है। पूरा टूर कराएंगे अच्छे से, आप लोग को पूरा घुमाएंगे भितरकनिका, हम लोग खुद भी एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन यहाँ का जो वाइब है ना, बहुत सही है, नेचर का वाइब है। आप लोग सुन सकते हो चिड़ियों का आवाज़। नबरंगी टोटो, क्या बोल रहा है ऋतिक? नबरंगी टोटो करके एक यहाँ पे गाड़ी है, उसमें बैठ के पूरा नबरंग करोगे, पूरा टूर। हाँ, अगर आप लोग को गाड़ी भी चाहिए टूर करने के लिए भितरकनिका के अंदर, तो पीछे देखो खड़ा हुआ है ई रिक्शा। नबरंगी टोर उसका नाम है, ई रिक्शा मत बोलना, नबरंगी टोर है उसका नाम है। सही है बहुत। हम लोग जब मैं आया था पहले, जब छोटा था तब आया था, अभी पूरा चेंज हो गया यहाँ पे, मतलब पूरा चेंज, बहुत मेंटेनेंस करके लोग। अच्छा लग रहा है, दोनों साइड में नारियल का पेड़ है। अच्छा, और बाकी जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ओडिशा गवर्नमेंट टूरिज्म के ऊपर बहुत अच्छा अभी काम कर रहा है, मतलब बहुत चेंजेस ला रहा है सारे जगह टूरिज्म अट्रैक्ट करने के लिए। आप लोग ज़रूर आओ ओडिशा घूमने के लिए, ये सब नेचर के जो ब्यूटी है आप लोग एक्सपीरियंस करो। देखो कितना सही जगह है। और बाकी आप लोग तो देखे कैसे हम लोग पूरा क्रोकोडाइल स्पॉट किए, किंगफिशर, बंदर, क्रोकोडाइल का डियर। तो भाई भी है यहाँ पे जो नाम है उनका कालिया और बलिया, और वो दोनों वहाँ पे सोए थे, उनको देख के आए। और आप जरूर देखना वीडियो में, किसका नाम कालिया है और किसका नाम बलिया है, तो आप सब बताना कमेंट में जरूर। बहुत ही शानदार था ना, बहुत ही शानदार था। और इतने बड़े बड़े क्रोकोडाइल्स, तो मतलब क्या बोल, वो भी देखने का अलग ही मजा था इसमें। हम सोच रहे थे गुड्डू को दे देंगे, लेकिन गुड्डू बहुत रोने लग रहा है, लेकिन देंगे नहीं उसको। गुड्डू हमारा भाई है थोड़ा। बाकी सही है, अभी हम लोग पूरा नेचर में वॉक कर रहे हैं, तो उसका एक्सपीरियंस ही कुछ अलग है, बहुत सही है। दोपहर के टाइम में भूख लग रहा है, लेकिन ये नेचर के साथ वॉक कर रहा है। हाँ, भूख तो लग रहा है, अभी लंच करेंगे ना, यहाँ पे लंच का अरेंजमेंट भी हुआ है, आराम से जाके लंच भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले थोड़ा वॉक करके जाएंगे, तभी थोड़ा ज़्यादा भूख लगेगा, तभी तो खाएंगे, ज़्यादा खा लेंगे फिर। हाँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। वैसे आज बोट में बैठ के जाएंगे, फिर ज़्यादा खा लेंगे तो बोट वालों को दिक्कत होगा, हमारे को दिक्कत नहीं। हाँ वो तो है। वैसे आज लंच में क्या खाने का प्लान है? सी फूड ट्राई करेगा? सी फूड ट्राई तो करेंगे, क्या है और कैसे टेस्ट है, तो हाँ वो भी देखेंगे। कोबरा है आगे, देखना, देख के चल रहा था। मैं देख रहा हूँ, तू कैमरा को देख, मैं रास्ते में देख। हाँ, तू रास्ता देख, मैं कैमरा को संभाल रहा हूँ। देखो तो दोनों तरफ देखो, पूरा देखते देखते पूरा देखो, मेरे इस तरफ भी जंगल और इस तरफ भी देखो, पूरा जंगल में हम लोग चल रहे हैं, जंगल के बीच में, आइलैंड के अंदर हैं हम। हाँ, आइलैंड भी बोल सकते हैं यार, चारों तरफ तो पानी है इसमें। देखो यहाँ पर भी ये लोग मार्क, बी वेयर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, देख लो। देखो ऋतिक का बकचोदी शुरू हो गया है। यहाँ से कुछ साउंड आ रहा है, यहाँ पे क्या है देखते हैं। सूखा हुआ पत्ता गिर गया उसके ऊपर। अच्छा है, नहीं सब कुछ एडवर्टाइज तो सब कुछ कर दिए कि कोबरा है, ये वो है, पर सिर्फ बंदर ही स्पॉट हो रहा है, बंदर ही स्पॉट हो रहे हैं, लेकिन और कुछ नहीं है। बंदर हर जगह मिल जाते हैं, जहाँ पे भी जाओ बंदर ही होते हैं, हम खुद बंदर हैं और बंदर भी आ जाते हैं हमारे। हाँ, पर कुछ बोल नहीं सकते, कभी भी एनिमल स्पॉट हो सकता है, क्योंकि हम लोग पूरा जंगल के बीच में चल रहे हैं। तो देख, जब कोई दिखेगा तो बोल देना, मैं बचाएगा और दिखाएगा। क्या क्या बचाएगा या दिखाएगा?
अरे मैं दिखाऊंगा ना सबको, बचाऊंगा क्या मैं, पे तो भाग जाऊंगा मैं क्या, और तू क्या दिखा मैं क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हूँ जो तुझे बचाऊंगा, मुझे भी क्यों बचाएगा तू, अपने आप को बचा ले पहले। मुझे थोड़ी पता है कि कैसे क्या बचते हैं एनिमल्स, इसलिए तो भैया आए हैं हमारे साथ गाइड जो है वो बहुत पीछे है, वो बहुत पीछे वो आ रहे हैं ना। ये देखो ये रास्ता गया हुआ है जंगल के अंदर पूरा, यहाँ पे कुछ भी स्पॉट हो सकता है। चलो आगे आगे चल के दिखाते हैं आपको, वहाँ पे शायद कुछ स्पॉट हुआ है। लिंकन अभी जा रहे हैं वहाँ पे, देखते हैं। लिंकन क्या मिला है तुझे वहाँ पे? काठूटा वो, अच्छा तुझे वो बोल कि वहाँ पे एक छोटा सा क्रोकोडाइल था लेकिन वहाँ पे काठू था, काठू काठू समझ पा रहे हो? एक है मीम्स है, हम डाल देंगे वीडियो में, देख लेना। डरे नहीं रे काठू, डरे हुस 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 हाँ, कुंभीर और काठू का। अच्छा अभी लिंकन का पॉपर्ड बन गया। टीज एनिमल्स, एनिमल के साथ मत लगो, अपना सेफ्टी खुद रखो और उनको भी परेशान मत करो। देखो ये गाड़ी आ गया जो बोल रहा था ना, यहाँ पे लोकल सवारी के लिए ई रिक्शा। तो वो जो ई रिक्शा गया उसका नाम क्या था लिंकन? नबरंगी टोटो कुछ क्या नबरंगी टोटो नाम भी रखे हैं। लिंकन को बहुत मन था उसके अंदर घूमने के लिए, पर वो बोले कि वो अभी बच्चे लोग को लेके जाएंगे और हमें नहीं लेके। हाँ सीनियर सिटीजन और एडल्ट लोगों के लिए वो है, जो सीनियर सिटीजन है अबव 60, हम लोग तो वॉक करके आराम से घूम सकते हैं। तो यहाँ पे राइट साइड में म्यूजियम है, ऐसे मैं रोके हैं, चलो अभी म्यूजियम चलते हैं। ये सारे बर्ड्स हैं जो यहाँ पे स्पॉट होते हैं भितरकनिका में, माइग्रेट होके आते हैं यहाँ पे, देख लो। और ये सब बर्ड्स जो यहाँ के लोकल बर्ड्स हैं जो कि मिलते हैं हमेशा, आप लोग देख सकते हो। देखो इंडियन रॉक पाइथन का एक स्पेसिमेन रखे, जो भी सब यहाँ पे मिलता है सारे क्रोकोडाइल्स और स्नेक्स क्रैब सबका स्पेसिमेन है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो। और ये सब टाइप के क्रोकोडाइल यहाँ पे मिलता है, देख लो। ये तो मगर बहुत ही डेंजरस लग रहा है, और ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो कि सबसे कॉमन है यहाँ पे, ये सब क्रोकोडाइल्स मिलता है। और ये स्कल हेड डॉल्फिन का, और ये स्केलेटन रखे हैं ये लोग डॉल्फिन का। एक छोटा सा म्यूजियम है पर सारे इंफॉर्मेशन है। तो अभी हम लोग पूरा वो म्यूजियम घूम के आ गए, आप लोग देखे तो सारे जो भी एनिमल स्पॉट होता है यहाँ पे। क्या हादसा हो गया तेरे साथ? हादसा हुआ, मौत आया यहाँ पे जुआ और अंदर तक गया फिर निकल के आ गया, थोड़ा मैटक लिया उसे। वो जो भी हुआ वो आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम, कुछ बहुत ही बुरा हो गया अंदर। बाकी जो भी हो मतलब वहाँ पे म्यूजियम के अंदर पूरा सारे एनिमल्स जो भी हैं यहाँ पे स्पॉट होते हैं,
और क्रोकोडाइल्स बर्ड्स जो भी हैं सारे सबके बारे में इंफॉर्मेशन था। आप लोग अगर आते हो भितरकनिका तो वो वाला म्यूजियम भी थोड़ा विजिट कर देना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, छोटा सा म्यूजियम है पर बहुत ही इंफॉर्मेटिव है वो वाला जो कोई चार्जेस नहीं है अंदर जाने के लिए। पास कटा है ना? हाँ। पास में आपके सब घूम। और वो जो सामने के लिए एक पास करना होता उसका क्या रेट रहता है भैया? एक आदमी का 40 रुपया टिकट लगता है। अच्छा, ये जो टिकट का परमिट। अच्छा, ये रहा देखो टिकट का परमिट, बाकी वो भैया हमारे सब वो हमारे लिए ले लिए हैं खुद, और उसके अंदर ही सारे परमिट है, जो बोट भी आता है अंदर, बाकी ये सब बोट चार्ज अलग भी है, चार्ज भी अलग है ना? हाँ, चार्ज भी अलग है। अच्छा, आपको वो भी इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा हमारा कितना चार्जेस रहा बोट के बारे में, और ये भैया का डिटेल्स भी दे दूंगा, इनका बोट है तो अगर कोई आता है तो इनसे कॉन्टैक्ट करके आ जाना, इनका बोट सर्विस चल रही है यहाँ पे भीतर पर लिखा है भितरकनिका नेशनल पार्क। तो अभी अंदर चलते हैं और भी एक्सप्लोर करेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है, आगे देखते रहो बस ब्लॉग पे। और एक रिक्वेस्ट है, आप लोग सब्सक्राइब कर दो चैनल को और बाकी वीडियो को पूरा देखो, बहुत मेहनत लगता है इन सब वीडियो वगैरह बनाने में। बाकी चलो, आप सबका सपोर्ट है मुझे पता है, आप सबको वीडियो वगैरह भी अच्छा लगता है, और अगर अच्छा लगता है तो एक कमेंट दे के थोड़ा बता दो और लाइक भी कर दो, उस तो उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने के लिए। बाकी देखो और भी दिखाते हैं आपको यहाँ पे, मतलब इस पार्क के अंदर ऐसे भी है जगह जहाँ पे क्रोकोडाइल वगैरह भी रखे हैं, तो आगे जाके आपको दिखाएंगे पूरा। देखो वो सब भैया वगैरह आगे चल रहे हैं लाइन में, देखो इसके अंदर क्रोकोडाइल है, छोटा छोटा क्रोकोडाइल। यहाँ पे सब छोटे छोटे क्रोकोडाइल हैं, सब देख लो, इस जगह कुछ ऐसा है। देखो इसके अंदर भी है छोटे छोटे क्रोकोडाइल्स, देखो कितने सारे छोटे छोटे क्रोकोडाइल्स, यहाँ पे उनका केयर लिया जा रहा है, उसके बाद यहाँ से जाने के बाद वो लोग बड़े होने के बाद वो लोग को लेके वहाँ पे छोड़ देंगे, शायद सॉल्ट लेक में छोड़ देंगे। कितने सारे छोटे छोटे, यहाँ पे थोड़े बड़े बड़े हैं, देखो उसके ऊपर भी एक बैठा है, ये नीचे कितने सारे हैं भाई, देखो कितने सारे, एक के ऊपर एक सब आराम से लेट के सोए। इनको सब खाने के लिए छोटे छोटे जो मछली होते हैं और प्रॉन ये सब देते हैं उनको खाने के लिए, वही है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रोकोडाइल्स हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हो। जान टोटल कितने हैं यहाँ पे, 191 क्रोकोडाइल्स है यहाँ पे खाली अंदर। तो जैसे कि आप लोग देख लिए यहाँ पे, इसके अंदर छोटे छोटे क्रोकोडाइल्स थे, यहाँ पे उनका केयर लिया जा रहा है, उनको खाने वाने देते हैं आराम से, जैसे केज वगैरह में होते हैं ना, जू में होते हैं वैसे ही। बाकी ये लोग जब थोड़ा बड़े हो जाएंगे उनको भी लेके सॉल्ट लेक में छोड़ देंगे, तो अभी के लिए यहाँ पे है। और यहाँ पे टोटल भी आप लोग देख लिए कि 191 टोटल थे वहाँ पे। बाकी कुछ ऐसा था भितरकनिका, और भी आगे जाएंगे बोटिंग करेंगे, और भी आगे जाके एक्सप्लोर करेंगे, देखते हैं और क्या मिलता है जंगल में, आप सबको भी दिखाएंगे। चलो, इसके अंदर एक क्रोकोडाइल भी है जिसका नाम है गौरी करके, इसका नाम है, आप लोग देख सकते हो। तो अभी हम लोग पूरा भितरकनिका घूम के आ गए हैं, और ये देख सकते हो ये पानी गया हुआ जो रिवर, ये सॉल्ट लेक रिवर है, और दोनों तरफ ऐसे जंगल कैसे देख रहे हो, तो कितना शानदार व्यू है। और बाकी इसी के साथ हम लोग ये ब्लॉग को एंड करते हैं,
और आगे और भी इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स लाते रहेंगे और अच्छे अच्छे जगह डिस्कवर करेंगे। और आप लोग का काम तो आपको पता ही है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाकी और एक बार देख लो गुड्डू और ये रहा प्रतीक बैठा हुआ। तो इसी शानदार व्यू के साथ ये ब्लॉग को एंड करते हैं। चलो बाय। तो आप लोग को कैसे लगा ये ब्लॉग कमेंट में जरूर बता देना। और गुड्डू क्या बोलना चाहता है? मजा आया, पूरा शानदार। जैसे कि डियर देखे, क्रोकोडाइल देखे और बंदर तो हमेशा देखते रहते हैं। चलो तो इसी के साथ ब्लॉग एंड कर देते। बहुत सही लगा लेकिन ये वाला भितरकनिका वाला ट्रिप बहुत सही रहा। और आप लोग को भी वीडियो देख के पता लग गया होगा कि कितना इंटरेस्टिंग था ये वाला जगह। चलो बाय।